हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो आज रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है इमली की चटनी। इमली की चटनी, अब जो जैसे कि नवरात्र आ रहे हैं उसमें ये 9 दिन बहुत ही आपके काम आएगी, क्योंकि मैं जो इमली की चटनी बनाने जा रही हूँ वो व्रत में खाने के लिए बना रही हूँ। तो आप इस इमली की चटनी को किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप पकौड़े बना रहे हों, चाहे आप चाट बनाएं, चाहे आप साबूदाने की टिक्की बनाएं, आप जिसके साथ चाहें इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। ये व्रत की स्पेशल इमली की चटनी मैं आज आपको दिखाऊँगी। तो सबसे पहले गाइस, ये मैंने इमली 20 से 25 मिनट पहले भिगो दी थी। अब मैं इसकी गुठले अलग कर दूंगी और रस अलग निकाल लूंगी। तो इसके लिए मैंने साथ ही में एक अलग से वो बाउल ले लिया है और साथ में ये छन्नी ले लिया है। आप चम्मच की हेल्प से इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते रहें। तो मैंने इसके बीज अलग कर लिए हैं और पानी अलग निकाल लिया है। देखिए, मैंने कढ़ाई रख दी है। अब उसमें सबसे पहले मैंने कटोरी पानी डाल दिया है, आधी कटोरी या एक कटोरी, आप देख लीजिए कितना पानी आपको चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें एक कटोरी पानी डाल दिया है और मैंने ये गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो अब इस गुड़ को मैं इस पानी में डाल दूंगी। ये देख रहे हैं आप, हमारा गुड़ पिघलने लग गया है क्योंकि मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में डाला था, तो गुड़ जो है हमारा जल्दी से पिघलने लग जाएगा। इसमें बस गुड़ के थोड़े छोटे छोटे टुकड़े रह गए हैं, वो पिघल जाए। तो ये देख सकते हैं हमारा गुड़ का पानी पिघल गया, गुड़ पिघल गया है इसमें। अब मैं इसमें जो इमली का पानी है वो डाल दूंगी। पकनी शुरू हो गई है। अब मैं इसमें आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच सेंधा नमक, काली मिर्च, नमक और अब मैं इसमें डाल रही हूं आधा चम्मच सौंठ। सबको अच्छे से मिला लीजिए। आधा चम्मच जीरा पाउडर डाल दिया है, ये जो भी आइटम है इसमें डाल रही हूँ वो सारा व्रत के लिए, व्रत के हिसाब से डाल रही हूँ, क्योंकि मैं ये व्रत वाली इमली की चटनी बना रही हूँ कि जिससे कि सब लोग अपने व्रत पे खा सकें। अभी इसमें ये आपको थोड़ी पतली लग रही होगी, अभी इसमें एक दो उबाले आएंगे और ये हो जाएगी। और वैसे भी इसको थोड़ी देर में ही गाढ़ी हो जाती है।
ये देखिए उबलने लग गई है हमारी चटनी। अब ये हमारा उबलने लग गई है तो ये देखिए किशमिश, इसमें मैं थोड़ी किशमिश डाल दूंगी। ये देख रहे हैं हमारी इमली की चटनी गाढ़ी होती जा रही है। आप देख सकते हैं हमारी इमली की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, किसी काम आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी।